नमस्कार दोस्तों, अब मेरे साथ हैं श्रीमती बबीता दुबे मैडम। ये आज जो स्पोर्ट्स कार, नमस्कार मैडम, जो आज स्पोर्ट्स कार्निवाल बल्कि जो स्केटिंग कार्निवाल आज जमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोनमल विहार में हुआ है, उसमें अपने बेटी शिवांगी दुबे को स्केटिंग कराने के लिए हैदराबाद से स्पेशली यहां पर आई। नमस्कार मैडम, स्पोर्ट राउंड अप आरके वाई में आपका चैनल में आपका स्वागत है मैडम। तो मैडम, आपको इस कार्निवाल के बारे में किस तरह पता पड़ा? मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पता चला, मेरे को किसी ने व्हाट्सएप पे ईमेल सेंड किया था तो उस पे नंबर लिखा था, तो मैंने मैम से कांटेक्ट किया। जी जी। तो उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। जी। तो मैं वहाँ से अपनी बेटी को लेकर के आई। अच्छा, तो आपकी बेटी वहाँ पर किस अकेडमी में करती है? मेरी बेटी वहाँ पे राजशेखर अकेडमी में है। अच्छा। अंडर 7 एज ग्रुप में आती है। अच्छा जी। क्वाड साइड से। जी जी जी। तो कितने साल से वहाँ पर स्केटिंग कर रही है मैडम? जस्ट 6 महीने से। अच्छा, 6 महीने से शुरू किया इन्होंने, बहुत बढ़िया मैडम। तो मैडम, आप भी स्पोर्ट्स में रही हैं या मतलब कैसे? मैं स्पोर्ट्स में नहीं रही। अच्छा। मेरे को इंटरेस्ट है कि मेरे बच्चे आगे जाएं। अच्छा, आप जी, इसलिए मैंने ज्वाइन करवाया। अच्छा, आपने बच्चों को स्पोर्ट्स में कराया। अच्छा, तो ये कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये भी यूकेजी में है। यूकेजी में, वेरी गुड, मास्क उतार दो। तो बेटा, कैसा लगा ये मेरे साथ शिवांगी दुबे जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं? अच्छा लगा बेटा। तो आपको क्या सीखने को मिला यहाँ से? स्केटिंग। अच्छा, तो आप जीतकर खुश हैं? गोल्ड मेडल दिखाओ, एक बार गोल्ड मेडल दिखाइए आपका। वेरी गुड मैडम, आपका बहुत बड़ा जज्बा है, बहुत बड़ा जो खेलों के प्रति डेडिकेशन है कि आप इतने दूर से बच्चों को साथ लेकर आई हैं। ये इनके बेटे भी इनके साथ आए हैं, शिवांग दुबे। तो ये मैडम है बबीता दुबे मैडम। तो मुझे पता पड़ा कि आप हैदराबाद से आए हैं, तो मैंने सोचा कि एक अलग से इंटरव्यू आपका लिया जाए। थैंक यू मैडम, आप इतने दूर से आए, यहाँ पर पार्टिसिपेट कराया बच्चों को, और कांग्रेचुलेशन आपको और आपकी बेटी को गोल्ड मेडल जीतने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू।